नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जीवन सुख दुख का नाम है। यहाँ पर कई बार खुशियों का दरवाजा खटखटाती है तो कई बार संकट परिवार को घेर लेता है। कई बार इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है जिससे बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। अगर आप भी ऐसे किसी संकट में फंसे हैं तो निराश ना हो। आज हम आपको आर्थिक संकट से निपटने के लिए सुपारी से जुड़े कुछ अच्छे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि जिसने भी इन उपायों को अपनाया है उसकी जिंदगी को संवरने से कोई नहीं रोक पाया है। जिन लोगों को लंबे समय से शादी का योग नहीं बन रहा है वो सुपारी के साथ कुमकुम हल्दी मोली लपेट कर गुरुवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में रखते। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह के योग बलवती हो जाते हैं। जब रिश्ता पक्का हो जाए तो उस सुपारी को किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद कारोबार में बढ़ोतरी के लिए ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक जिन लोगों को कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो ऐसे लोग सुपारी से जुड़ा उपाय कर सकते हैं। वो लोग शनिवार की रात को पीपल के पेड़ के नीचे सुपारी और 1 रुपए का सिक्का चढ़ा दें। इसके बाद अगली सुबह इन दोनों चीजों को घर लाकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ जाएगा। इसके अलावा कार्यों की बाधा दूर करने के लिए जिन लोगों के बनते हुए काम अटक जाते हैं या किसी अहम काम में परेशानी आ जाती है उनके लिए सुपारी का उपाय फायदेमंद हो सकता है। ऐसे लोग लाल कपड़े में 2 लौंग और सुपारी बांधकर भगवान गणेश को अर्पित कर दें। इसके बाद अटके हुए काम को पूरा करवाने ले जाते समय उस कपड़े और लौंग को अपने हाथ में ले जाएं। ऐसा करने से अटका हुआ काम पूरा हो जाता है। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए भी आप सुपारी का उपाय कर सकते हैं। कर्ज के जाल से निकालने के लिए भी सुपारी का उपाय आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए जातक को नियमित रूप से सुपारी अर्पित कर भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में अर्पित की गई सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कर्ज की राशि धीरे धीरे घटने लगती है और आमदनी के स्रोत बढ़ जाते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।